तुमने मेरे लिए क्या किया? अभी मौजूदा हालात में बहुत से औरतें ऐसी हैं कि उसके ज़ुबान में ये बातें आती हैं, चाहे आप उतने कितनी भी फैसिलिटी में रख लें, अगर ज़रा सी बात पे अनबन हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो उसके ज़ुबान से पहली बात यही निकलेगी कि तुमने मेरे लिए क्या किया। बहुत ख़ास वीडियो है और हर मुसलमान को ये बात जानना ज़रूरी है जो मुफ्ती एम कासमी साहब आगे वीडियो में बता रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए आप लोग को वीडियो दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औरत का एक जुमला इतना ख़तरनाक होता है, इतना ख़तरनाक होता है जो आपके शौहर को पूरी तरह से बिखेर देता है, तोड़ देता है अंदर से। वो जुमला कौन सा होता है? बाज़ दफ़ा कोई बात होती है, थोड़ी बहुत कोई भी ऐसी बात जो आपको नागवार लगती है, शौहर ने कोई बात बोली, आपको वो नागवार गुजरी, उसने आपकी कोई ख्वाहिश को पूरा नहीं किया या आपकी किसी बात को नहीं माना, तो ख्वातीन जो है ना, बाज़ ख्वातीन बोल देती हैं, कह रहे जाओ तुमने मेरे लिए क्या किया है। ये ऐसा ख़तरनाक जुमला होता है कि जो आपके शौहर को अंदर से तोड़ देता है, अंदर से बिखेर देता है। तो शुक्रगुजारी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप ये चाहती हो कि आपका शौहर आपके आपसे टूट कर मोहब्बत करें, आपसे ही बस मोहब्बत करे वो, तो शुक्रगुजारी कि अपने शौहर का शुक्र अदा करो। आप अल्लाह का भी शुक्र अदा करो, अपने शौहर का भी शुक्र अदा करो। तो शुक्रगुजारी इतनी बड़ी चीज़ होती है ना कि आपके शौहर का दिल बड़ा हो जाएगा अगर आपने इतना कह दिया कि तुम कितने प्यारे मेरे शौहर हो, मेरे लिए इतना सब कुछ करते हो। कोई बात नहीं, एक चीज़ अगर तुम मेरी पूरी नहीं कर रहे हो, जब सहूलत हो तब पूरी कर देना। मेरी ये विश पूरी नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, जब सहूलत हो तब पूरी कर देना। तो वो एक के बजाय दो पूरी करेगा आपकी। और जहां आपने ये कहा कि तुमने मेरे लिए क्या किया है, यही जुमले होते हैं कि फिर आपका शौहर जो है ना, दूसरी और नजायज़ गैर की मोहब्बत में मुब्तला होने के उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और घर भी बिगड़ जाते हैं। एक खातून ने अपना वाकया सुनाया, वो वाकया मैं अपनी तमाम बहनों को सुनाना चाहता हूँ ताकि इस तरह अगर आपकी भी लाइफ में कुछ चल रहा है तो आप भी थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ। ये खातून बताती हैं कि मुफ्ती साहब, मेरी जब शादी हुई तो शादी होने के बाद मेरे शौहर की सैलरी 25,000 थी, 25,000 रुपये मेरे शौहर की सैलरी थी। 25,000 में से ये 20,000 मुझे दे देते थे और 5,000 अपने वालिदैन को दे दिया करते थे। 20,000 में से ही मुझे ख़र्चा भी चलाना होता था और मेरे शौहर को जब ज़रूरत पड़ती थी तो उन्हीं 20,000 में से मुझे, मैं इनको दे दिया करती थी। शादी के पहले ही दिन से इन्होंने कह दिया था कि मैं आपको 20,000 रुपये अपनी पूरी सैलरी दे दिया करूँगा, ख़र्चा पानी आप उठाओ, मुझे टेंशन फ्री रखो और जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपसे ही ले लिया करूँगा। 20,000 रुपये ये महीने में मुझे देने लगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मुझे ये लगने लगा कि मैं अपने घर जाती थी मायके, तो वहाँ मुझे होता है ना कि ख़वातीन जब शादी के बाद अपने मायके जाती हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग हैं जो माइंड में नेगेटिविटी डालते हैं कि और बताओ, वो उनका शौहर तो 50,000 कमाता है, उनका शौहर तो 40,000 कमाता है, देखो वो तो अपने बीवी को कहाँ घुमाने ले गया, देखो वो तो अपनी बीवी को कहाँ लेके गया है, देखो वो कितना अच्छे सूट दिलाता है। तो इससे क्या होता है कि एक औरत को ये लगता है कि यार मेरा शौहर मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है ना, वो एहसास से कमतरी का शिकार हो जाती है वो खातून और फिर अपने शौहर से झगड़ना शुरू करती है। अब ये कहती है कि जब इस तरह की बातें मैं अपने मायके जाती थी, रिश्तेदारों के यहाँ जाती थी, तो मेरे शौहर की सैलरी को लोग बताते थे भाई बहुत कम है और उनसे कहो कुछ करो, तो मैं अपने शौहर पर फिर प्रेशर डालती थी कि देखो फलां तो 50,000 कमा रहे हैं, फलां तो 60,000 कमा रहे हैं, देखो अपने बीवी को क्या दिला के लाया, देखो ये किया, हमारा तो ख़र्चा भी नहीं हो पा रहा है। अब इसी बात पर मेरे झगड़े जो है ना अपने शौहर से शुरू होने लगे, झगड़े जो है ना बढ़ते चले गए। और 20,000 से मैं कहती थी कुछ करो, नहीं ख़र्चा चल पा रहा है, मेरे शौहर कहते थे मैं कोशिश कर रहा हूँ। बहरहाल ये बातें बहुत बढ़ती चली गई और कभी कभी हमारे लड़ाई झगड़े भी होते थे और इसी बात पर कि भाई खर्चे पूरे नहीं हो रहे, हम कहीं घूमने भी नहीं जा पाते, हम तो कुछ अच्छा खा भी नहीं पाते हैं, 20,000 में होते ही क्या है, बिजली का बिल है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें जो आम तौर पर चलती हैं। अब क्या हुआ,
अच्छा, ये बोल रही थी कि जब भी मैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाती थी, अपने ऐसे लोगों से, माहौल में बहुत सारे लोग हमारे माशरे में होते हैं, कहीं का माहौल कुछ होता है, आजकल माहौल यही चल रहा है कि दुनिया के मामले में कंपैरिजन लोग हमें करवाते हैं, हम ना भी करें ना तो माइंड हमारा उसी तरफ लेके जाया जाता है। देखो यार, उसने तो अपनी बीवी को ये दिलाया, तुम्हारे शौहर ने नहीं दिलाया, अरे तुम्हारे ससुराल वाले ये नहीं कर रहे, हमारे ससुराल वाले तो ये करते हैं, देखो फलां की ससुराल वालों को देखो कितना करते हैं। तो आपको इस अकॉर्डिंग आपके अपनों से अगेंस्ट किया जाएगा, आपके शौहर से, आपके ससुराल वालों से, कहीं और से, किसी और से मिला जाएगा तो उसको उसके ससुराल वालों के अगेंस्ट किया जाएगा। ये लोगों का मिजाज बन चुका है। वो कहने लगी कि झगड़े जब बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए, तो जब मैं जाती थी फिर और बातें होती थी, तो मुझे मेरे अपनों में से ही बहुत सारे लोग कहते थे डर मत, हम तेरे साथ हैं, ये है और वह, तू क्यों जो है परेशान होती है, हिम्मत मत हार, हम तेरे साथ हैं। वो ऐसे कैसे बोल देगा, क्योंकि जब लड़ाई होती है तो फिर शौहर भी कुछ बोलता है, तो ये फ़ोन करती थी। तो बहरहाल फिर क्या हुआ कि ये लड़ाइयाँ आगे बढ़ती रहीं और आखिरकार कोर्ट कचहरी में मामला पहुँच गया और आखिर में क्या हुआ, फिर डिवोर्स हो गई। तो आजकल घर बिगाड़ने वाले बहुत हैं, आपकी ससुराल में, आपके ससुराल वालों से, आपके शौहर से जब अनबन होगी तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में से ही बहुत सारे लोग ये बोलें कि नहीं डरने की ज़रूरत नहीं, हम देख लेंगे, हम देख लेंगे, तू डर मत, तू झुक मत, तू सॉरी मत बोल, तू क्यों बोलेगी कि लेने आ जाओ, बोलो मत लेने आओ। तो लड़कियां जो है ना एकदम चढ़ जाती हैं कि अच्छा, तो इन्होंने भी ऐसे ही किया। बहरहाल आखिर में क्या हुआ कि डिवोर्स हो गई, तलाक हो गई। तलाक होने के बाद फिर ये बोली कि जब मैं घर बैठ गई तो कोई मुझसे, मुझे पूछने वाला नहीं, कोई मुझे समझने वाला नहीं, कोई मेरे दिल के तकलीफ़ को सुनने वाला नहीं, और फिर दूसरी शादी कहाँ होनी है इसकी भी कोई फिक्र करने वाला नहीं, माँ बाप हैं बेचारे कब तक खिलाएं, है ना। आखिरकार 2-3 साल जब गुजरे तो मुझे जॉब ढूंढनी पड़ी। मेरी जो जॉब लगी तो वो 13,000 रुपये में लगी। 13,000 रुपये की जॉब मैंने करना शुरू करी। उस 13,000 की जॉब के लिए मैं सुबह उठती थी, शाम को घर वापस आती थी थकी हुई। उन्हीं 13,000 में से फिर मुझे अपने भी खर्चे पूरे करने पड़ते थे, और उन खर्चों को काट पीट के वही 5-6 हज़ार मेरे पास बचते थे। तो मुफ्ती साहब, मैं अब सोच रही हूँ कि काश मुझे मेरा वही हस्बैंड मिल जाता, मेरे से वो गलती हो गई, मैं दूसरों की बातों में आ गई। मेरा हस्बैंड तो मुझे पूरे 20,000 रुपये दे दिया करता था, ना मुझे कुछ करना पड़ता था, मैं तो घर पे बस आराम से लेटी रहती थी, घर के थोड़े बहुत काम किए, टीवी देख रही हूँ, मोबाइल चला रही हूँ, घर वालों से बात कर रही हूँ, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब ऑफिस के चक्कर अलग है, बीमार हूँ तो सैलरी कटती है, परेशान हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है, अब तो कोई सहारा बनने वाला नहीं है। तो वो मुझे ये बोल रही थी कि मुफ्ती साहब, मैं क्या उसी उन्हीं अपने पहले वाले शौहर से बातचीत करके दोबारा शादी कर सकती हूँ क्या? तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ख़ास तौर पर मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ कि देखो, आपका शौहर ठीक ठाक है, कमियाँ सब में होती हैं, कभी भी अपने शौहर से ये मत कहो कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। कभी भी अपने शौहर से इसलिए मत लड़ो कि उसने तुम्हें गोल्ड की चीज़ नहीं दिलाई, आप बोल रही हो, वो बोल रहा है ले लेना ले लेना, तो लड़ो मत। ये मत बोलो कि तुम तो बस दूसरों पे ही खर्च करो, मेरे लिए क्या करते हो, मेरे लिए क्या ही किया है आज तक तुमने, फुला की बीवी को देखो, वो देखो उसका शौहर कितना खर्च करता है, फुला देखो कितने आराम, ये बिल्कुल भी ना करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक इरशाद है कि जो औरत अपने शौहर की शुक्रगुजार होती है, अल्लाह ताला उसको बहुत अता फरमाता है। आखिरत में तो जन्नत उसको मिलेगी, दुनिया में भी अल्लाह ताला उसे बहुत अता फरमाएगा। अगर आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही ना, कोई बात नहीं, सब्र कर लो, अल्लाह से कहो और अपने शौहर का शुक्र अदा करो। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आज वो चीज़ नहीं मिल रही, कल नहीं मिल रही, 4-6 महीने आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगी, अल्लाह ताला आपको दुनिया में इतना अता करेगा, अल्लाह ताला दुनिया में आपके लिए जो आप चाहती हो वो आपको अल्लाह ताला दिलवा देगा, आप थोड़ा सा सब्र रखो। इसीलिए ये जो जुमला होता है, तुमने मेरे लिए क्या किया है, और शौहर से सिर्फ खर्चे के लिए लड़ना, पैसों के लिए लड़ना, डायमंड के लिए लड़ना, गोल्ड के लिए लड़ना, है ना, सूट के लिए लड़ना, इस पर नाराज़ होना और इस पर नाशुक्री करना, और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात कि अपने मायके और अपने रिलेटिव की बातों में आ जाना। कोई अगर आपको बाहर की चीज़ें दिखा भी रहा है कि देखो फुला का शौहर, देखो फुला कैसे रहती है, कहो कोई बात नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छी हूँ, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र अदा करने का जज्बा ये हर खातून के अंदर होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये वाक़या सुनने के बाद आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। देखो, घर जब बिगड़ता है ना, तो घर को बनाने वाले बहुत कम होते हैं, बिगाड़ने वाले बहुत होते हैं।
सुलह कराने वाले ना के बराबर होते हैं। जब आपकी अपने शौहर से लड़ाई होगी ना, तो लोग बहुत बोलेंगे, डर मत, झुक मत, हम तेरे साथ हैं, तू कमज़ोर है क्या, उन्होंने तुझे कमज़ोर समझ रखा है क्या, हमें ना साथ में तेरे। तो घर बिगाड़ने के लिए तो चार लोग आपके साथ होंगे, आपके शौहर से लड़ने के लिए भी खड़े होंगे, हो सकता है वो आपका भाई क्यों ना हो। आजकल तो माँ बाप भी ऐसे ही हैं। लेकिन याद रखो, घर बिगड़ने के बाद फिर बनाने की कोई फिक्र नहीं करता। कितनी ख़वातीन मैंने ऐसे देखी हैं कि डिवोर्स के बाद वो आज 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 5 साल हो गए, कोई उनकी फिक्र नहीं कर रहा है। उन्होंने पेट भर के खाना खाया कि नहीं खाया, बीमारी में दवा ली नहीं ली, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। इसीलिए अच्छी फैमिली आपको मिली है, अच्छा शौहर आपको मिला है, अच्छे सास ससुर मिले हैं, है ना। ख़र्चा पानी अल्लाह ताला बड़े तरीके से करवा रहा है, दो वक्त की रोटी मिल रही है, दवा टाइम पर मिल रही है, पूछने वाले हैं लोग, खैर खैरियत लेने वाले, नो टेंशन। पर कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला का अज़ाब इसी तरह से आए और आपको जो मिल रहा था वो भी आपसे छिन जाए। क्योंकि नियामत की नाकदरी का एक वबाल सबसे बड़ा ये होता है कि वो नियामत अल्लाह ताला छीन लेता है। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।